ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ चार गवाह सामने आए। दो महिला रेसलर, कोच और इंटरनेशनल रेफरी, चार मंत्रियों की टीम कर सकती है पहलवानों से बातचीत। दरअसल यौन शोषण के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष सांसद ब्रिजभूषण सरन सिंह की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस को इस मामले में चार गवाह सामने आए हैं। आपको बताते चले कि जिन्होंने ब्रिजभूषण पर लगे आरोपों की सिर्फ पुष्टि नहीं की बल्कि बयान भी दिया। इनमें से एक एक ओलंपियन, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल रेफरी और स्टेट लेवल के कोच शामिल है। ये सभी उन 125 गवाहों में शामिल है जिन्हें इस केस में शामिल किया गया है। दिल्ली पुलिस आरोपों वाली जगह यानी कि चार राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक की जांच कर रही है। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार आरोपों की पुष्टि करने वाले गवाह ओलंपियन और कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट दोनों महिला रेसलर हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस की जांच टीम को बताया कि ब्रिजभूषण पर हरासमेंट के बारे में घटना के एक महीने बाद केस दर्ज कराने वाली महिला रेसलर ने ही उन्हें बताया था। शिकायत करने वालों में शामिल एक महिला पहलवान के कोच ने दिल्ली पुलिस की SIT को बताया कि ब्रिजभूषण किस तरह से हरासमेंट फेवर मांगने के बारे में घटना के 6 घंटे बाद उन्हें फोन कर बताता है। इंटरनेशनल रेफरी ने कहा कि जब टूर्नामेंट के लिए इंडिया या विदेश जाते थे तो महिला रेसलर से उनकी इसी परेशानी के बारे में वो अक्सर बातें सुना करते थे। केंद्र पहलवानों की 5 मांगों को मांगने को तैयार हैं। इनमें महिला कुश्ती कैंप लखनऊ से पटियाला, आरोपी कोच को हटाने, WFI को सस्पेंड करने, पहलवानों पर दर्ज तंगे के केस वापस लेने और महिला कुश्ती की कमान किसी महिला को सौंपना शामिल है। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी और फेडरेशन से पूरी तरह बेदखल करने की शर्त पर सरकार राजी नहीं है। सरकार का कहना है कि पहलवान चाहे किसी भी एजेंसी जांच का क्यों ना हो, लेकिन वो सीधे ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी करने का आदेश नहीं दे सकता। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने को लेकर भी सरकार की शर्त है और पहलवान धरना छोड़ खेल में वापस लौट जाए। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।